ठीक है, आप सब लोग बिल्कुल चैन से सुनिएगा। हम बचपन को भुला रहे थे, वो उठा ओली बेटा मेरा, नंदन वंशा की लुटा ये प्यारा सा घर मेरा। माँ वो कहकर बुला रहा था, पापा के संग खिलखिला रहा था, खेल खिलौने लेकर हाथों में हमें खिलाने आया था। ओली का भोला सा मुखड़ा भैया, ओली का भोला सा मुखड़ा हमारे मन को बड़ा लुभा रहा था। देख उसके बचपन में अपना बचपन याद आ रहा था, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, जियो जी भरकर होकर खुश, हर बात में छलकती सच्चाई, ना किसी से झगड़ा ना किसी से लड़ाई, बड़ा प्यारा है ये बचपन। लक्ष्य ओली बेटा, जब आप बड़े हो जाओगे इस कविता को अच्छे से पढ़ना और बचपन की तरह ही अपनी हर वो आदत जो अच्छी थी उसको लेकर चलना। सुनो सुनो सुनो, आप अपने माँ पापा को का अभिमान हो, दादा दादी की शान हो, हमारा खुशियों बड़ा जहाँ हो। जन्मदिन पर ओली आपको ढेरों शुभकामनाएं अपनी चाची की ओर से, आप सदैव खुश रहो, हमारे बच्चे यही अरमान है हमारा। और उस प्राण स्वरूप सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी विपत्ति नाशक परमात्मा को आप अपने अंतरात्मा में धारण करो, वह परमात्मा आपकी बुद्धि को सदैव सत्मार्ग में प्रेरित करे। आपकी प्यारी चाची। और चाची की तरफ से ओली के मम्मी पापा को भी मैं कह सकती हूं।